हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं आज आपको ताज़ा फ्रेश गाजर से गाजर का हलवा बनाने की रेसिपी बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हमने अपने खेत से ताज़ा फ्रेश गाजर को ले लिया है। अब इसके बाद हम गाजर को अच्छे से वॉश कर लेते हैं ताकि इनमें रेत ना रहे। रेत को अच्छे से निकालने के बाद अब हम इसको घिया कस की सहायता से इस प्रकार कस लेंगे। कसने के बाद गाजर अच्छे से कस लेंगे। कसने के बाद हमारे गाजर कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। और इसके लिए हमने 1.5 से 2 किलो गाजरों का यूज किया है। अब हम अपने हिसाब से कढ़ाई या कुछ बर्तन ले लेंगे जिसमें हम बना सके, और वीडियो को देखने के लिए अंत तक बने रहे। देखते हैं हम किस प्रकार से ताज़ा फ्रेश शुद्ध देसी घी का प्रयोग कर रहे हैं। आप अपने हिसाब से कोई से भी घी, सरस का, अमूल का, जो आपके पास अवेलेबल हो, या रिफाइंड तेल, उसमें भी बना सकते हो, लेकिन मैं तो अपने घर का देसी घी यूज कर रहा हूँ। घी मेल्ट होने के बाद हम इसमें गाजर को अच्छे तरह से भूनेंगे। भूनने के बाद इस प्रकार से अच्छे से डालो। डालने के बाद भूनेंगे, जिसे गाजर अच्छे से इसमें भुन जाए उसके लिए वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली मेरी नई वीडियो का जल्द से जल्द नोटिफिकेशन मिल सके। हम इस प्रकार से इनको मिलाएंगे। अब मिलाने के बाद हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ढक के छोड़ देंगे ताकि वो गाजर पूरी तरह से घी में सीज जाए। अब हम इसमें 1 मग्गा यानी कि 500 से 700 ml दूध, फुल क्रीम भैंस का लिया है मैंने, तो आप अपने हिसाब से ले सकते हो। इसको अच्छे से मिलाने के बाद इसको पकाएंगे। अब इसको धीरे धीरे पकने देंगे। पकने के बाद हम अब इसमें 8 से 10 इलायची को कूट कर डालेंगे, और ये 8 से 10 इलायची मैंने अपने स्वाद अनुसार किशमिश से ले ली है। आप इनको स्किप भी कर सकते हो अगर जो आपके पास ना हो तो। अब इसको अच्छे से मिलाएंगे। अब हम इसको अच्छे से मिलाएंगे। अच्छे से देखो, दूध सूख जाएगा। दूध सूखने के बाद अब हम इसमें डालेंगे चीनी। चीनी मैंने तो लगभग 200 से 250 ग्राम के आसपास डाली है। आप अपने हिसाब से मीठे को कम बत्ती भी कर सकते हो। आप 250 से 300 भी डाल सकते हो, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और आप सबसे मेन बात यह है, आप इसको बिना मावे के भी बना सकते हो दूध, या आप इसको मावे से भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती इसमें बनाने में। और ये एकदम ही शुद्ध होता है, बाजार के अलावा इसमें ना कोई मिलावट होती है ना कुछ और खाने में भी इतना स्वादिष्ट होता है, बहुत ही ज़्यादा। अब चीनी को मिलाने के बाद इसको, जब चीनी अभी थोड़ा इनको भी स्किप कर सकते हो।
चिकन पनीर बना सकते हो, बहुत ही टेस्टी बनता है। ये मैंने अभी इसमें थोड़े से पिस्ता डाल दिए हैं ताकि स्वादिष्ट बन सके। पिस्ता डालने के बाद नारियल का बुरादा डाल दो, बस मेरे पास यही अवेलेबल था, बाकी आइटम मेरे पास नहीं है तो मैं इनको स्किप कर रहा हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है। इनको डालने के बाद अच्छे से मिला देंगे, मिलाने के बाद कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाएगा। और अब ऐसे होने के बाद अब हम इसमें थोड़ा सा इनको स्वादिष्ट बनाने के लिए अब हम इसमें मिलाएंगे आलू वो देसी घी, ताकि ये नीचे लगे ना और ज़्यादा टेस्टी क्रिस्पी बने। खाने में बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत ही लाजवाब होता है दोस्तों। इसी प्रकार से हम इसको अच्छे से मिला देंगे। और हमारी नई वीडियो को आप देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम अपनी नई वीडियो को जल्द से जल्द आप तक पहुंचा सकें। और इसी प्रकार से हम आपको नई नई वीडियो का लुत्फ उठाने के लिए नई नई वीडियो का लुत्फ उठाने के लिए हमारे चैनल को क्रेजी कुक मास्टर को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, पहुंचा दो। बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत ज़्यादा, खा के देखो तो मज़े आ जाएंगे। ये देखो मैंने चेक करवाया है मम्मी जी से, मीठा मीठा सही है क्या? और ये देखो बनकर हमारा गाजर का हलवा इजी मेक।